हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम केयर्स फंड के बारे में। तो जो भी लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह, तो उनके लिए भी ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो नॉलेज लेना चाहते हैं इसके बारे में या फिर डोनेट करना चाहते हैं, वो भी इस आर्टिकल को पूरा एंड तक देखिएगा और एमएस स्टडी गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि ये इस आर्टिकल में पीएम मोदी ने क्या बोला है। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, देखो आप देख सकते हैं। इसके बारे में केयर फंड की फुल फॉर्म वगैरह सब इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो पीएम मोदी ने ये केयर फंड जो है ये लॉन्च किया है किसके लिए, इस वायरस के पैनाडेमिक से बचने के लिए, इंडिया को इससे बचाने के लिए। तो ये फंड यूटिलाइज कहाँ पे होगा, देखो जब भी किसी को ये वायरस होता है, कोई भी इस वायरस की चपेट में आ जाता है, तो उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसे ज़रूरत होती है वेंटिलेटर की। तो वेंटिलेटर बनाने पे या डॉक्टर्स के लिए जो भी पैसे चाहिए उस पे भी ये फंड जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा। और गवर्नमेंट ने अपील की है सारे कंट्रीमैन से कि वो आगे आएँ और इसमें डोनेट करें, ठीक है। तो अभी आगे देखो, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, पीएम केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। फुल फॉर्म याद कर लीजिए, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक और बात यहाँ पे बोली है पीएम हमारे पीएम मोदी ने कि ये जो फंड है इसमें आने वाली कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, अगर तो ये वायरस टल जाता है, इतने ज़्यादा केसेस के नहीं बढ़ते, तो आने वाली कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होगी या डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन होगी इंडिया के लिए, उसमें ये फंड जो है वो यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये सेफ़ है आपके पैसे, ये कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस वायरस से टल जाता है तो आने वाली किसी भी पैनडामिक में ये फंड को यूज़ किया जाएगा, उसे संभाल के रखा जाएगा। देखो इसके बारे में नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एक्सप्रेस देयर डिज़ायर टू डोनेट टू इंडियाज़ वार अगेंस्ट कोविड-19। पीएम ने अपील की है ये सभी कंट्री मैन को, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, दिस फंड विल आल्सो कैटर टू सिमिलर डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन इफ दे अकर इन द टाइम्स अहेड। आने वाले टाइम में ऐसी कोई भी डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन आती है तो उसमें भी इस फंड को यूज किया जाएगा। यहाँ पे भी ये देखो ट्वीट किया है, काइंडली कॉन्ट्रीब्यूट टू द पीएम केयर्स फंड, दिस फंड विल आल्सो कैटर टू सिमिलर, यही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये फंड की जो डिटेल्स हैं कैसे हमें देना है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये आप सारा इसमें से देखो रीड कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द नीड फॉर हैविंग ए डेडिकेटेड नेशनल फंड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी सिचुएशन लाइक पोस्ड बाय द कोविड पैंडेमिक। इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी एमरजेंसी सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो उसके लिए इस फंड को यूज़ किया जाएगा। एंड टू प्रोवाइड रिलीफ टू द अफेक्टेड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है। तो जो लोग इससे इफेक्टेड हुए हैं उनके लिए भी इस फंड से हेल्प की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इस फंड के चेयरमैन है और इसके अलावा इसके मेंबर्स भी हैं, ये भी चीज़ ध्यान से यहाँ से पढ़ लीजिए। प्राइम मिनिस्टर इस फंड के चेयरमैन है और उनके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी इस फंड के मेंबर्स हैं। दिस रिलीज आल्सो प्रोवाइडेड अकाउंट डिटेल्स, अभी अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं। नेम क्या है अकाउंट का, पीएम केयर्स, इसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच, यूपीआई आईडी भी है, ठीक है। तो मोड्स क्या है पेमेंट करने के, आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, सबसे ईजी फ़ोन पे एंड गूगल पे की ऐप अगर आपके फ़ोन में है तो आप उसे डायरेक्टली पे कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई के थ्रू सबसे ईजी काम है पे करना।